नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर रेप दुराचार का आरोप लगाते हुए अमरकंटक थाने में शिकायत करने पहुंची थी, जहां शिकायत लिखने की बजाय अमरकंटक पुलिस ने शिकायत नहीं लिखने व थाने से भगा देने का पीड़िता ने आरोप लगाते हुए शहडोल पुलिस जोन ADGP से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके लगभग 16 दिन बीत जाने के बाद अनंतः नाबालिग को न्याय मिला। दुराचार करने वाले दो लोगों पर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है। अमरकंटक थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाले कपिल मेहरा और दुर्वासा पर आरोप लगाया था कि 10 अप्रैल को उनके माता पिता खेत में चना काटने गए थे। घर पर किसी के नहीं होने का फायदा उठाते हुए कपिल अपने दोस्त दुर्वासा के साथ घर आकर उसके साथ जबरन दुराचार किया। इस दौरान उसका दोस्त तकवारी कर रहा था। विरोध करने पर कपिल ने जान से मारने की धमकी दी थी, साथ ही किसी को नहीं बताने की भी धमकी दी थी। जब परिजन घर पहुंचे तो नाबालिग ने अपनी आप बीती बताई और मामले की शिकायत करने अमरकंटक थाने पहुंची, जहां शिकायत लिखने के बजाय अमरकंटक पुलिस ने उल्टा उन्हें खरी खोटी सुनाकर उन्हें उल्टे पांव वापस लौटा दिया, जिससे नाराज पीड़िता और उसके परिजन न्याय की शहडोल जोन ADGP से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर ADGP द्वारा मामले की अनूपपुर SP को जांच के लिए प्रेषित किया था, जिसके एक माह बाद अनंतः दुराचार का शिकार हुई नाबालिग को न्याय मिला और अमरकंटक पुलिस ने कपिल मेहरा और दुर्वासा पर मामला कायम कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है। आप कहाँ से आई हैं? कानपुर से आए। क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। अच्छा, कौन किया है? कपिल महाराज है? कपिल महाराज। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है? वो बकरी का रहने वाला है। दुर्वासा महाराज ने साकर लगा कर दरवाजे में कर। ये कब का मामला है? 10 तारीख का मामला है, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल का? इसी दिन पता नहीं चला था आपको? उस दिन पता चला था, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखा गया था, रिपोर्ट नहीं लिखा गया था। रिपोर्ट नहीं लिखा गया था? चोरी करी जान दी थी। तो आज कैसे फिर ये लोग रिपोर्ट लिख लिए लेके आए सर? हम आगे बढ़े, यहाँ प्रेस किया, कई महिला थाना गई, वहाँ से भगा दिया। SP जितना पास गए वहाँ से भी बोली SP साहब की मतलब रिपोर्ट लिखना, फिर भी नहीं लिखे। 13 तारीख को हम अमरकंटक थाना गए थे, फिर से इसके बाद 14 तारीख को हम IG के पास गए थे, इसके बाद फिर बाल न्यायालय गए थे सर। अब फिर आज भी बेचना जाँच में गए हैं और आज मैं यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी वो खराब वाला पता नहीं लिए हैं, वो अच्छा वाला कप लेकर मेडिकल करके ले गए। अच्छा, बेटी की उम्र क्या है आपकी? बेटी की उम्र कितनी है अभी? बेटी की उम्र मेरी 17 साल के आसपास है। 17 साल ना? स्कूल में पढ़ती है बेटी आपकी? अच्छा, चलो ठीक। अमरकंटक थाने के बहपुर का है, एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला है, फिर क्या पूरा मामला है वो? एक नाबालिग बालिका ने दुष्कर्म की रिपोर्ट की है और रिपोर्ट के आधार पर उस प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसमें जो 2 आरोपी उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी, महिला सर एक आरोप और है, ये करीब 18 दिन से घूम रही है थाने, चक्कर लगा रही है, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। नहीं, ये कहना गलत है। जो पीड़िता है उसके द्वारा हर नियमित अंतराल पर अपनी रिपोर्ट बदली जा रही है, तो संपूर्ण तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत उस घटनाक्रम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर, महिला का एक कहना और था कि वो ADG के पास भी गई थी शहडोल, शायद आपके पास भी आई थी, उनका उसका कहना था महिला का? उसके जो भी पीड़िता ने जो भी यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई है, उसके आधार पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।